हाय एवरीवन फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हो। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, ये देखिए कैटल, ये देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं अच्छी तरीके से। दोस्तों ये देख लीजिए, 10 डम कैटल, इसका मैं आपको बेनिफिट दिखा देता हूँ और आपको तो पता रहेगा आपके घर में ये रहेगा कैटल। अगर आपको कैटल लेना हो तो इसका क्या प्राइस हो सकता है और इसका क्या बेनिफिट है, ये सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए, हमारे बोर्ड भी यहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड एक स्पेशली कैटल के लिए है रखा है इसके अंदर, क्योंकि कैटल अगर कॉफ़ी बनाना हो, चाय बनाना हो तो आप इससे बना सकते हैं, मतलब ये फास्ट हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों ये जो है ना, ये इसका स्विच है, ये देख लीजिए, ये अभी स्विच ऑन करेगा, यहाँ पे ऑन होगा, यहाँ पे ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर बाद में आप पानी डाल दे सकते हैं, पानी डाल के कर सकते हैं, चाय वगैरह जो भी आपको चाहिए इसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको मैं दिखा दी, इसको सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, साइड में दिखा देता दोस्तों। ये जो है ना, ये मेन है दोस्तों, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिकल पूरा कनेक्ट हो जाता है। ये देख सकते, यहाँ पे 3 स्क्रू है, 1 2 3, मतलब इसके अंदर कुछ फॉल्ट रहेगा तो इस स्क्रू यहाँ से निकाल के हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। जो इसके अंदर कुछ भी फॉल्ट रहेगा तो दोस्तों फॉल्ट आ जाता है कभी कभी, इसको रिपेयर भी मैंने बहुत बार किया है, क्या हो जाता है इसकी जो कॉइल है ना इसके अंदर वो ख़राब हो जाती है, तो कभी कभी उसको चेक करना पड़ता है, कभी कभी वायर भी शॉर्ट हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो रहता है ना वो एक साथ हो जाता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो जाता है इसको। तो सबसे पहले दोस्तों इसको देख लीजिए, ये जो है ना, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 10 डम कंपनी का है, प्रोडक्ट नेम मॉडल, ये देख लीजिए जो वोल्टेज है ना दोस्तों, ये देखिए 1200 वोल्ट कैपेसिटी 1.8 लीटर ऐसा है दोस्तों। ये देखिए सीरियल नंबर भी रहता है, तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके अंदर इसको लगा देता हूँ मैं अच्छी तरीके से, आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से इसके अंदर लगा के। ये लगा के हो चुका है दोस्तों इसके अंदर, ये देख लीजिए इस तरह से आपको ये कैटल दिख जाएगा, ये देख लीजिए इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो नॉर्मली प्राइस जो रहता है दोस्तों ना, इसका 800 या 1000 रुपीज़ तक इसका प्राइस रहता है दोस्तों। ये देख लीजिए चारों एंगल से मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। अभी फ़िलहाल मैं आपको चाय बना के नहीं दिखा सकता, कॉफ़ी बना के नहीं दे सकता, पर मैं आपको इसका प्रोसेस जो है ना वो बता देता हूँ किस तरह से आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये देख लीजिए है ना, इसके अंदर आपको कम से कम नॉर्मली 1 कप या 2 कप जितना आप ये लगा सकते हो, जो जितना आपको चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे जो ये है ना, ये प्लग, सबसे पहले इसको पानी डालने के बाद ये देख लीजिए प्लग को आपको स्टार्ट कर देना है। तो इसको अभी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि पानी इसके अंदर है नहीं दोस्तों, तो बाद में जल सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से नॉर्मल प्रोसीजर है इसका दोस्तों, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कम से कम 5 मिनट उसको लग जाएगा गर्म होने के लिए, उसके बाद आप जो भी चाय कॉफ़ी बनाना हो, चाय शक्कर डाल सकते हैं, चाय पत्ती डाल सकते हो, वो जिस हिसाब से आप कॉफ़ी बनाओगे तो उस हिसाब से कॉफ़ी पाउडर चाह बनाएंगे, चाह शक्कर आप डाल सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से नॉर्मली रिव्यू था, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। जय हिंद। और इसका प्राइस जो रहता है दोस्तों ना, नॉर्मली 1000 रुपीज़ तक इसका हो सकता है, पर एरिया अलग अलग रहेगा तो अलग अलग एरिया का अलग रेट होगा। जय हिंद दोस्तों।